नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट पे दो होम्योपैथी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन कफ रेस्ट सिरप के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इसके क्या क्या यूज़ होते हैं, किन किन कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी इस पर MRP आती है, किस प्रकार इसको इस्तेमाल किया जाता है। इस मेडिसिन से जुड़ी हर जानकारी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। बताना चाहूँगा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से जुड़ी हर नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों जो कफ रेस्ट सिरप होता है देखने में कुछ इस प्रकार का होता है। अगर बात करें इसके साइज़ के बारे में तो 115 ml के साइज़ में मार्केट में मिल जाता है। दोस्तों अगर बात करें इसके MRP के बारे में तो 100 रुपये इस पर MRP आती है और जो इसको बनाने वाली कंपनी है तो होम्योपैथी में कंपनी आती है रेलसन, जिसके द्वारा इसको बनाया जाता है या जिसके द्वारा इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। दोस्तों बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, किन किन कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो मेन यूज़ होता है वो खांसी के लिए होता है, कफ के लिए होता है। अगर आप में से किसी को कफ की समस्या है, खांसी की समस्या है, तो उसको ठीक करने के लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन कफ रेस्ट सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें डिटेल से वो कौन कौन सी परेशानी है जिसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या किन किन कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दोस्तों इसका जो मेन यूज़ है वो खांसी के लिए है, कफ के लिए है। उसके साथ साथ अगर किसी को ड्राई कफ है, सूखी खांसी अगर किसी को हो रही है उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी को बैड कफ हो रही है, बलगम वाली खांसी हो रही है तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसका अगला यूज़ होता है हूफिंग कफ के लिए होता है, काली खांसी के लिए होता है। अगर किसी को काली खांसी की समस्या है, जैसे घर में बच्चे जो होते हैं उनमें ज़्यादातर हूफिंग कफ की समस्या देखने को मिलती है, अगर आपके घर में किसी बच्चे को हूफिंग कफ की शिकायत हो रही है, आपको खुद को हूफिंग कफ की समस्या हो रही है, तो उसको ठीक करने के लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन कफ रेस्ट सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जो इसका अगला यूज़ होता है स्नीजिंग के लिए होता है, अगर किसी को खांसी के साथ साथ जुकाम भी हो रहा है, जुकाम में छींकें आ रही हैं, उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पास्मोडिक कफ में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी खांसी जिसमें सीना जकड़ सा जाता है। प्रॉक्सिमल कफ में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सफोकेटिव ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक। सफोकेटिव ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है सफोकेशन हो गया हो, जिसकी वजह से खांसी हो रही है या सांस लेने में अगर किसी को दिक्कत हो रही है, तो उसमें भी आप इस होम्योपैथिक मेडिसिन कफ रेस्ट सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसका अगला यूज़ होता है सोर थ्रॉट के लिए। दोस्तों सोर थ्रॉट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके गले में दर्द हो रहा है, खाना खाते समय आपके गले में दर्द है, पानी पीते समय आपके गले में दर्द है, बोलने में आपको परेशानी हो रही है, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या किसी को हॉर्सनेस की समस्या है, किसी की जो आवाज़ है वह बैठ गई है, तो उसको ठीक करने के लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन कफ रेस्ट सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। या किसी को पेनफुल लैरिंग्स की समस्या है, जो लैरिंग्स हमारे होते हैं जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है, वहाँ पर अगर कोई सूजन आ गई है या सूजन के वजह से वहाँ दर्द हो रहा है, तो उसमें भी आप इस होम्योपैथिक मेडिसिन कफ रेस्ट सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छा और इफ़ेक्टिव सिरप है ये खांसी के लिए और खांसी के सिम्टम्स को ठीक करने के लिए या गले की परेशानियों को ठीक करने के लिए। दोस्तों बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में, कौन कौन सी मेडिसिन की सहायता से मिलकर ये मेडिसिन बनी होती है। तो दोस्तों इसमें पहली मेडिसिन होती है प्राइनियाल्बा, उससे अगली इपिकाक, उससे अगली एंटमटाट, फॉस्फोरस, ड्रोसेरा, जस्टिसिया जैसी अच्छी और इफेक्टिव दवाओं से मिलकर ये मेडिसिन बनी होती है। दोस्तों अगर बात करें इसकी डोज के बारे में, तो दोस्तों जो इसकी डोज है वो 2-2 चम्मच सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार आप इसका इस्तेमाल एडल्ट में कर सकते हैं। अगर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल गर्म पानी के साथ करते हैं, गुनगुने पानी के साथ करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे इस सिरप के। दोस्तों अगर बात करें इसकी डोज चिल्ड्रन में, तो 1-1 चम्मच दिन में 3 बार आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल बच्चों में कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें इसके साइड इफेक्ट के बारे में, तो इस मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। दोस्तों जो इस पर एक्सपायरी डेट आती है वो 5 साल की आती है। तो दोस्तों अगर आप में से किसी को खांसी की समस्या है, सूखी खांसी हो, बलगम वाली खांसी हो, तो उसको ठीक करने के लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन कफ रेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।